हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड इसका दूसरा वीडियो है और हमारे इस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा दोस्त कैसे है, तो उसी टॉपिक का कुछ पार्ट बच गया था, तो उस वीडियो को उस टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं ईस्ट के साथ। तो ईस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। ईस्ट का यूज़ करते हैं, ईस्ट कहाँ होता है? ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में। अब बेकिंग इंडस्ट्री में क्या बनेगा? बेकरी प्रोडक्ट में क्या क्या आएगा? बिस्किट आ गया, ब्रेड आ गया, केक आ गया, मिठाई भी जो बनता है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। जो भी चीज़ फ्लफ़ी होता है बेकिंग इंडस्ट्री में, चीज़ों को, प्रोडक्ट को फ्लफ़ी बनाने के लिए, उसको फुलाने के लिए, उसका साइज़ बना करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ईस्ट का। ईस्ट जो है अब बहुत रैपिडली ग्रो करता है। ये ग्रो करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, तो रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से जो बेकिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट होता है, चाहे हमारा केक हो, बिस्किट, ब्रेड हो, ये सब कैसा हो जाता है? फ्लफी, क्योंकि ईस्ट रेस्पिरेशन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और केक को, ब्रेड को, इस सब को फ्लफी बना देता है। बेकिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट क्या क्या हो जाएगा? केक, ब्रेड, इसके अलावा बिस्किट्स भी इसी इंडस्ट्री में बनता है, और भी बहुत प्रोडक्ट है, मिठाई में भी इसका यूज़ किया जाता है। ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किया जाता है, इसका और भी कॉमर्शियली बहुत जगह पे यूज़ किया जाता है, जैसे अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल, वाइन बनाने के लिए, इसके अलावा एसिटिक एसिड होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड का नाम सुना होगा, इसको किचन में हम लोग यूज़ करते हैं, जो विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं चाइनीज़ फूड में, डाला जाता है इसको फूड को थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए। अल्कोहल सब लोग जानते हैं इसको, वाइन, इस सभी चीज़ को कॉमर्शियली लार्ज स्केल पे बनाने के लिए ईस्ट का यूज़ किया जाता है। अल्कोहल और वाइन बनाने के लिए क्या किया जाता है? ईस्ट को शुगर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, नेचुरल शुगर के साथ, और फिर उससे हम लोग अल्कोहल और वाइन बना सकते हैं। जैसे नेचुरल शुगर कहाँ मिलेगा? तो अपने व्हीट, राइस या फिर फ्रूट के जूस में, इन सभी चीज़ों में नेचुरल शुगर पाया जाता है। उस नेचुरल शुगर में अगर हम लोग ईस्ट को सही प्रोपोर्शन में डालेंगे तो ये रिएक्ट करके बना लेगा अल्कोहल। अब घर पे मत बनाने लगना सर। चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं, जिस एक्टिविटी के मदद से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को करने के बाद अल्कोहल बनता है। प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन, और ये प्रोसेस कौन खोजे थे? लुईस पाश्चर, 1857 में। तो हम लोग उस प्रोसेस को देखते हैं, उस एक्टिविटी को देखते हैं। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। शुगर को अल्कोहल में बदलने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। इसमें शुगर को बदला जाता है अल्कोहल में। फर्मेंटेशन का खोज कौन किए थे? लुईस पाश्चर, 1857 में लुईस पाश्चर एक केमिस्ट है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस का खोज किए थे। इस प्रोसेस में क्या होता है, शुगर को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में। कैसे किया जाता है, तो एक एक्टिविटी से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक बीकर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी 500 ml की है, ठीक। इसको 3/4 हम लोग पानी से भर देंगे, 3/4,
ऑफ 500, इतना हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। उतना पानी डालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच हम लोग 2 to 3 स्पून शुगर डालेंगे, फिर आधा चम्मच सिर्फ हाफ स्पून ईस्ट डालेंगे। ईस्ट कितना? हाफ स्पून। अब इस बीकर को क्या करेंगे, गर्म जगह पर रख देंगे, ऐसा जगह जहाँ गर्मी ज़्यादा हो। गर्म नहीं करना है, बॉयल नहीं करना है, इसको सिर्फ गर्म जगह में रखना है। क्या क्या करना है, एक बीकर लेना है जिसकी कैपेसिटी कितना हो, 0.5 लीटर। उसमें हम लोग 3x4 लीटर, हम लोग 3x4 ऑफ दिस हम लोग को पानी भरना है, मतलब 3x4 ऑफ 500 अप्रॉक्स 380-375 के करीब आएगा। उतना ml पानी में हम लोग को 2 से 3 चम्मच चीनी डालना है, शुगर डालना है, घर का शुगर यूज कर सकते हैं, नेचुरल शुगर अवेलेबल है, फ्रूट जूस तो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद ईस्ट का पाउडर आता है, उसको 0.5 चम्मच डालना है। ये डालने के बाद इस सॉल्यूशन को 4 से 5 आवर के लिए गर्म जगह पर डाल देंगे। उसके बाद जब हम इसको ओपन करके स्मेल लेंगे इसका, तो ये बिल्कुल अल्कोहल की तरह स्मेल करेगा, क्योंकि ये अल्कोहल बन जाता है। इसमें क्या होता है, शुगर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। कौन बताए थे? लुईस पाश्चर। कब बताए थे? 1857 में। तो ये प्रोसेस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में या फूड में ही नहीं यूज़ होता है, हमारे मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेडिसिन बताइए, हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है, तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत सारा मेडिसिन ऐसा है जो इसके मदद से बनाया जाता है। मोस्ट कॉमनली जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग को एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब ये एंटीबायोटिक किस चीज़ से बनता है? पेनिसिलिन का नाम एंटीबायोटिक में मोस्ट कॉमन है, ये किससे बनता है? इसका सोर्स है पेनिसिलियम। पेनिसिलिन किससे बनता है? पेनिसिलियम से। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक कहते किसको है। एंटीबायोटिक जो है एक मेडिसिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज अंदर फैला रहा है, उसके ग्रोथ को रोक देता है या फिर उसको किल कर देता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सब कॉमन एग्जांपल है जो बैक्टीरिया या फंगी के मदद से तैयार किया जाता है। एंटीबायोटिक वैसा दवा होता है जो मार देता है या फिर रोक देता है ग्रोथ को, जो डिजीज फैलाता है हम लोग के अंदर, ठीक है। ये जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, ये एक्सीडेंटली इसका खोज हुआ है, मतलब कि इसको कोई एक्सपेरिमेंट करके खोजा नहीं गया है, ये एक्सीडेंटली मिला। क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो अपना एक कल्चर मीडियम पे काम कर रहे थे, वो कल्चर मीडियम में ग्रो किए थे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को, वैसा बैक्टीरिया जो डिजीज फैलाता है, उस बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम था उनके पास। तो एक दिन वो पाए कि उनके कल्चर मीडियम में कहीं कहीं ग्रीन कलर का माउल्ड्स कहीं से आ गया, और वो ग्रीन माउल्ड्स क्या कर रहा है, उस कल्चर मीडियम पे इफ़ेक्ट डाल रहा है, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है, बैक्टीरिया के ग्रो को रोक देता है और कुछ बैक्टीरिया को किल भी कर दिया। तो आइडिया वहाँ से आया उनको कि जब ये ग्रीन कलर का माउल्ड्स जो पेनिसिलियम था वो क्या करता है, बैक्टीरिया को मार दे रहा है या फिर उसके ग्रोथ को रोक दे रहा है, तो उसका यूज़ हम लोग अपने लिए कर सकते हैं डिजीज से बचने के लिए। तो फिर वहाँ से आइडिया आया और पेनिसिलियम ये एंटीबायोटिक बना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारा यूज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी करता है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम होता है उसमें भी ये हमारा मदद करता है। जैसे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाना होता है तो हम लोग मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो इसको बनाने में मदद करता है। और
कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है एटमॉस्फेयर से सॉइल में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एल्गी है, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल के सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी हमारा हेल्प किया कैचेज करने में, सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। इन्वायरमेंट क्लीन करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसमें वेजिटेबल्स का जो पील होता है सब्जी के ऊपर का छिलका, वो हम लोग फेंक देते हैं, या फिर जो पेड़ का पत्ता वत्ता होता है ये सब इधर उधर फेंका हुआ होता है, तो वो सब कुछ दिन बाद गायब हो जाता है वहाँ से। तो कैसे गायब हो जाता है, कोई चुरा के ले जाता है? नहीं, वो क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करता है और उसको डिकम्पोज कर देता है। धीरे धीरे डिकम्पोज होके वो सॉइल में मिल जाता है और वो फिर मैन्योर का काम करता है, वो सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी क्लीन किया। कभी कभी क्या होता है, कोई मरा हुआ जानवर जैसे चूहा घर में मर जाता है, या कोई जानवर है वो मर गया, वो ऐसे ही ओपनली बाहर फेंका हुआ होता है, धीरे धीरे क्या होता है वो स्मेल करता है और धीरे धीरे वहाँ से वो गायब हो जाता है, उसका फ्लेश सब गायब हो जाता है। वो किसके वजह से होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, और जिसके कारण ये हमारे इन्वायरमेंट को गंदगी से दूर कर देता है, इन्वायरमेंट को साफ कर देता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा मदद करता है, ये इस वीडियो में हम लोग देखें। एक पॉइंट बचा हुआ है जिसमें वो हमारी मदद करता है, जैसे वैक्सीन में, इसको हम लोग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद पढ़ेंगे, मतलब पहले इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे वो हमारा नुकसान करता है, उसके बाद फिर जिसमें मेनली डिजीज़ के बारे में है, तो उसके बाद फिर वैक्सीन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।